हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही हेल्दी ओट्स चीला रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ओट्स जिसे हम जो है सुपर फूड के नाम से जानते हैं, ये वेट लॉस में बहुत ही हेल्पफुल होता है क्योंकि ये हमारी हंगर को बहुत देर तक जो है कंट्रोल करके रखता है और क्रेविंग्स को ये कम कर देता है। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ये वेट लॉस के साथ साथ जो है लोअर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, हार्ट डिजीज़ के जो रिस्क होते हैं उन्हें भी कम करता है और ग्लूटेन फ्री होने के साथ साथ ये विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड होता है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी को जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और बॉडी को मॉइस्चर, बॉडी का जो है ये मेंटेन रखता है और बॉडी को ये डिटॉक्स करता है और एक्ने से ये स्किन प्रॉब्लम की जो एक्नी प्रॉब्लम होती है स्किन की उसे प्रिवेंट करता है और साथ ही में हेयर फॉल में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 कप ओट्स ले लिया है और ये मैंने रोस्ट करके रखा हुआ था, तो ये रोस्ट किया हुआ ओट्स है 1 कप। अब इसे अच्छे से जो है एक फाइन पाउडर इसका रेडी कर लेंगे ग्राइंडर में। इसमें ऐड करने के लिए मैंने लिया है पीली, हरी और लाल शिमला मिर्च, 2 कलियाँ लहसुन की, गाजर और बीन्स। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं और इस तरह से कम 3-4 सेकंड के लिए एक बार चला लें ताकि जो वेजिटेबल्स हैं वो एकदम फाइनली चॉप हो जाएं और इस तरीके से जो चीला है उसकी बाइंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है और चीला काफ़ी क्रिस्पी बनता है। अब इन सब चीज़ों को एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी के साथ इसमें मैंने ऐड किया है फ्रेश धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। पुदीना ऐड करने से इसका जो अरोमा काफ़ी अच्छा आता है, काफ़ी इसका फ्लेवर एकदम चेंज हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है और साथ ही में टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, थोड़ी सी हल्दी और एक लेमन जूस। इसमें मैंने ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए हैं, इतने ही मसाले में ये इसका काफ़ी अच्छा जो है ये टेस्टी चीला बन के रेडी हो जाता है। ज़्यादा मसाला ऐड करने से इसका जो नेचुरल टेस्ट है ना वो चला जाता है, इसलिए आप ज़्यादा मसाला किसी भी चीला में ऐड ना करें। और जो मिक्सी में थोड़ी वेजिटेबल्स बच गई थी उसमें मैंने पानी ऐड करके इसमें मिक्स कर दिया है और 1 कप पानी ले लिया है, उसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अब इतना पानी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है, अब इसे कम से कम आधे घंटे के लिए हम मैरिनेट करने के लिए रख लेंगे। मिनिमम 30 मिनट इसको मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से जो चीला काफ़ी अच्छा बनता है। तो ये देखिए इसमें पानी सोख लिया है, जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ था वो भी अब मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब ये चीला बनाने के लिए ये बैटर एकदम परफेक्ट हो गया है। यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है, उसी में मैं जो है ऑलिव ऑयल ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में आप जो है ऑयल या घी यूज़ करें क्योंकि हम वेट लॉस के लिए ये हेल्दी चीला रेडी कर रहे हैं। और उसमें इस तरह से हम बैटर डाल के इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ पे जो फ्लेम है उसको हमने लो रखना है और इसको लिड से कवर कर देंगे और 3-4 मिनट के लिए हम इसको इस तरह से पहले एक साइड कुक होने देंगे। अब इसे दूसरी साइड टर्न करके इसे भी हम कम से कम 1 मिनट के लिए इस तरह से कुक कर लेंगे। अब इसको फिर से टर्न करके इस साइड पे एक बार ब्रश से फिर से मैंने इसमें जो है ऑलिव ऑयल ग्रीस कर लिया है। अब इसे भी टर्न करके इस तरफ भी हम अच्छे से क्रिस्पी होने तक इसे कुक करेंगे। इसी तरीके से जो है सब चीला हम रेडी कर लेंगे। तो बनके रेडी है हेल्दी चीला। होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।